नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदयपुर अहमदाबाद अमान्य परिवर्तन के सीआरएस के बारे में, जो कि हालांकि जो तो मार्च का महीना है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर दो बड़े सीआरएस होने वाले, एक 3 और 4 मार्च को, और दूसरा जो बड़ा सीआरएस है वह है 29 मार्च को। जो पहला सीआरएस है डूंगरपुर से जय संबंध सेक्शन का जो वह होने वाला है, और दूसरा जो सियारा से जय संबंध से लेकर खरवा तक का जो सेक्शन है वहाँ पर जो है 29 मार्च को सियारा जो है किया जाएगा। डूंगरपुर से जय संबंध सेक्शन का जो सियारा, इसकी जो तैयारियाँ है ऋषभ देव रेलवे स्टेशन पर भी जो है की जा रही है। तेज गति से जो है काम को किया जा रहा है, क्योंकि 3 और 4 मार्च को यहाँ पर जो है सियारा जो है होने वाला है। जो खरवा का जो सियारा से, जो कि जय संबंध से खरवा का सियारा 29 मार्च को जो है फाइनल किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा, काम अगर सब कुछ पूरा हो जाता है, तो 29 मार्च को इसका सीआरएस किया जाएगा, वरना 1 से 1.5 हफ्ता तक जो सीआरएस की डेट है इसको भी एक्सटेंड जो है की जा सकती है। रिपोर्ट की माने तो अप्रैल महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में ही जो है अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल सेवा जो है शुरू की जा सकती है। लगातार 2008 से बहुप्रतीक्षित उदयपुर अहमदाबाद अमान्य परिवर्तन के डूंगरपुर से अहमदाबाद रेल सेवा संचालन शुरू होने के बाद अब रेलवे का पूरा जो फोकस है इस प्रोजेक्ट के बचे हुए खंड को का जो निर्माण है यहां पर पूरा करना बचा हुआ है। रेल सूत्रों के अनुसार डूंगरपुर से जय संबंध रोड सेक्शन जो है पूरा हो चुका है। यहां पर जितना भी कार्य था उसको भी जो है पूरा किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो है इसके ट्रैक और अन्य मापदंडों की जाँच के लिए रेलवे द्वारा 3 और 4 मार्च को सीआरएस का आयोजन जो है करवाया जा रहा है। सीआरएस के दौरान डूंगरपुर से विशेष ट्रेन में रेलवे के अधिकारी ऋषभ देव रोड होते हुए जय संबंध तक नई ब्रॉडगेज लाइन का निरीक्षण करेंगे। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद उन सभी स्टेशनों पर नियमित ट्रेन संचालन के लिए स्वीकृति जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि जय संबंध खरवा का जो सीआरएस है वह भी 29 मार्च को प्रस्तावित है। यदि जय संबंध से खरवा के बीच जो ट्रैक बिछाया जा रहा है उसका काम अगर 29 मार्च के पहले पूरा किया जाता है, तो पूरी संभावना है कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेल सेवा का संचालन जो है रेलवे शुरू कर देगा। अगर यह जो जय संबंध से जो खरवा का जो सियारा से अगर यहां पर काम लेट होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ट्रेनों को चलाने की जो तारीखें अभी अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में देखी जा रही है, वह तारीखें एक्सटेंड होकर मई के पहले या दूसरे सप्ताह में भी जा सकती है। हालांकि रेलवे अपना पूरा फोकस कर रहा है दोनों ही रूटों पर काम को तेज गति से पूरा करने का, क्योंकि जो सियारा से पहला वाला रूट का सियारा डूंगरपुर से जय संबंध का सियारा 3 और 4 मार्च को जो है होना है, यहाँ पर लगभग काम जो है पूरा किया जा चुका है। ऋषभ देव रेलवे स्टेशन पर जो है यहाँ पर ढेरों सारी तैयारियाँ भी जो है की जा रही है। और उसके अलावा दोस्तों, बाकी का जो बचा हुआ रूट है जय संबंध से खरवा का, यहाँ पर तेज गति से जो है कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इस रूट का सियारा भी जो है निश्चित किया जा चुका है। इस रूट का जो सियारा से 29 मार्च को जो है किया जाएगा। इसको जो सियारा जो करने वाले आ रहे हैं दोस्तों, वो अधिकारी शर्मा जी होने वाले, जो कि बहुत ही तकनीकी रूप से सभी स्टेशनों और सभी लाइनों का जो है निरीक्षण जो है करने वाले है। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इसी प्रकार की अहमदाबाद से उदयपुर के सभी लाइनों की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे को फ्रेंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलेगा। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, इसी तरह की नई अपडेट के साथ में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन जाकर जरूर से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।